और कलकत्ता के मैच में फीमेल अंपायर की एंट्री, ये क्या सीन है? आईपीएल तो मेंस की हो रही, वुमेन्स की तो हो नहीं रही, तो फीमेल अंपायर कैसे? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी डिटेल बताता हूँ। तो कल मैच था जी कलकत्ता और हैदराबाद का, तो मैच से पहले अंपायर ने एंट्री मारी ग्राउंड के अंदर, तो एक अंपायर के काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, अभी पिक्चर में देख सकते हैं काफ़ी लंबी लेंथ थी, मैंने लंबे लंबे बाल रखे हुए थे। तो सारे बात कर रहे थे ये मेल हैं या फीमेल, सोशल मीडिया पर काफ़ी इनकी पिक्चर थी वायरल हुई, इतने लंबे लंबे बाल थे और अंपायरिंग में भी खड़े हुए थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये फीमेल अंपायर है। तो बाद में पता चला जी ये इनका नाम है जी पश्चिम पाठक, ये मेल एम्पायर है, मर्द हैं, ये औरत नहीं है। तो पहले लंबे लंबे बाल रखे हैं, इनका शौक है लंबे बाल रखने का, तो इस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हुई सारों को, क्या ये मेल हैं या फीमेल। तो पता चल गया जी ये मेल एम्पायर हैं, फीमेल एम्पायर नहीं थे लंबे बालों की वजह से, इस वजह से ये कन्फ्यूज़न है। तो आप देख सकते हैं इनका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है, एम्पायरिंग में जब खड़े होते हैं तो अपना झुक जाते हैं, ऐसा लगता है कि खुद लगता है कि कीपिंग भी कर रहे हैं एम्पायरिंग भी कर रहे हैं, लगता है इनको कभी बचपन में लगता है कीपिंग का शौक था, तो इस वजह से तो ये झुके हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं नीचे झुके हैं, साथ बॉलर जब बॉल करा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कीपिंग भी कर रहे हैं एम्पायरिंग भी कर रहे हैं, बहुत लगता है कीपिंग का भी शौक था। तो ये डोमेस्टिक में काफ़ी ये एम्पायरिंग कर चुके हैं, काफ़ी इनके निराले अंदाज़ हैं। तो आप देख सकते हैं हेलमेट पहने हुए इन्होंने एम्पायरिंग भी की, हेलमेट पहन के भी उन्होंने डोमेस्टिक में एम्पायरिंग भी की है। तो ये वुमेंस के मैच में भी ये दो मैचों में एम्पायरिंग कर चुके हैं, तो काफ़ी इनकी चर्चा है। पश्चिम पाठक जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हुए हैं, पूरी दुनिया में बातचीत हो रही थी कि ये मेल हैं या फीमेल, तो आज कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, ये जी मेल एम्पायर हैं, पश्चिम पाठक इनका नाम है, काफ़ी मैचों में ये एम्पायरिंग कर चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। टेक केयर, बाय।